अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, क्या हालचाल है आप सबका। तो आज हम एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो आज हम जा रहे हैं ज़िला जेलम की नगरी में, एक दरबार है जिसका नाम है पंचपीर दरबार। ठीक है, तो हम पंचपीर दरबार में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। तो ये बहुत ऑफ रोड रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, काफ़ी मुश्किल रास्ते हैं। और ये जीटी रोड से आप लैड़ी मोड़ है, डमेली मोड़ मशहूर है, आपने सुना होगा। वहाँ से एक रास्ता आता है इधर अंदर वाला, इधर लैड़ी गडारी गांव है। ठीक है, इन गांव में एक गोरसियाँ गांव है, वहाँ से ऊपर आता है ये रास्ता पंचपीर दरबार का। तो ये बहुत ऑफ रोड ही है, चेक कर सकते हैं, सारा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मोटरसाइकिल ही आ सकता है या दूसरी साइड से बंदा पैदल आ सकता है। तो मैं दिखाऊंगा आगे आपको। तो गाड़ी वगैरह यहाँ पे नहीं आती, तो मोटरसाइकिल ही आता है। और बहुत 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 ही मुश्किल रास्ता है, ये आपके सामने चेक कर लें, मोटरसाइकिल की बस हो जाती है किसी की। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं, वीडियो को मैंने शॉर्ट किया हुआ है काफ़ी सारा। तो अभी हम फाइनली डेढ़ घंटे का सफ़र करके, सिर्फ ये जो पहाड़ी इलाका है, ऑफ रोड है, जैसा जीटी रोड से उतर कर डेढ़ घंटे का सफ़र कर हम पहुँचे हैं। ये सामने आप चेक कर सकते हैं, ये इन्होंने मकान वगैरह, ये मेरा कहने का मतलब छोटा सा बनाया हुआ है, जहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए, वो सामने दरबार का रास्ता। तो अब हम इधर नीचे खड़े करेंगे मोटरसाइकिल, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारा। तो ये अभी हम हांडी वगैरह हमने रख दी है, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर सलाम वगैरह करने के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपके सामने ही है। तो काफ़ी मुश्किल है रास्ता, लेकिन ये है कि व्यू पॉइंट है, अभी आपको चेक कराएंगे। ये बहुत ऊंची दरबार, बहुत पहाड़ की ऊपर चोटी पर दरबार है। तो यह भी हम लेके चलेंगे। तो ये अभी आपके सामने एक आने लगा है छोटा सा रोज़ा। तो ये साईं साहब हैं, साईं अल्ताफ़ साहब हैं। तो ये ऊपर ये पंचपीर दरबार के नहीं ना, यानी कि आज से काफ़ी पुरानी बात है, ये भी फोत हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर निगरानी करते रहे हैं, यानी कि अपनी सारी ज़िंदगी नहीं ना, इन्होंने इसी दरबार के नाम में की हुई थी। ठीक है, सारा कुछ ये पौधे वगैरह आगे पीछे जो दिख रहे हैं ना आपको, वो इन्होंने पानी ऊँटों से नीचे से बढ़ कर ला कर ऊपर सारा कुछ किया हुआ, जो कुछ भी करना था। तो ये चेक कर सकते हैं आप, अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं पंचपीर दरबार, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान। ये चेक कर सकते हैं आप, आपके सामने ये पंचपीर सरकार है दरबार। तो ये उनका रोज़ा है। तो ये अभी हम आपको चेक कराते हैं, माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, तो अभी हम आपको नज़ारा चेक कराने वाले हैं। तो अभी ये चेक करें, वाओ, ये नीचे देखें, गांव है एक दो छोटे छोटे। तो ये इधर ऊपर से ये बिल्कुल छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं, तो वीडियो में तो नहीं सही समझ आ रही, लेकिन ये बहुत टॉप पे है, बहुत ऊंची जगह पे दरबार है। बहुत जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे खड़ा होने के लिए भी नहीं ना एक दफ़ा जिगरा चाहिए होता, नीचे देखने ही नहीं होता, इतनी ये इनकी खाई सी है किस्म की। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भी अल्लाह के वली रहे हैं किसी दौर में। तो जाना चाहिए इस तरह के दरबार वगैरह पे, जाना चाहिए, ये अल्लाह के वली रहे हैं, हम तो गुनाहगार बंदे हैं, इन्होंने नाम कमाए हुए हैं। तो अभी हम नीचे लंगर खाने में आ गए हैं, तो ये चेक कर सकते हैं, ये अंदर किचन बना हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी आपको, आप यकीन करेंगे, मसाले से लेकर ग्लास तक हर चीज़ देखें, क्या
ये मिर्च मसाले काफ़ी बंदे आते हैं यहाँ पे, हांडी पका के जो बच जाते हैं यहीं पे रख जाते हैं, ठीक है। ये साथ वाले ये अंदर डालियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, उस बकायदा उस वगैरह होता है यहाँ पे, तो ये चेक करें। अगर इधर रात को स्टे भी करनी हो तो बंदा कर सकता है। तो ये ड्रमियाँ वगैरह, ये बाहर टैंकियाँ पड़ी हुई, यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है। पानी वो जहाँ से हम जीटी रोड से उतरे हैं ना, वहाँ से पानी आके इधर बाहर के जाते हैं तकरीबन महीने डेढ़ दो महीने बाद। तो अभी हम इधर नीचे आ गए, अभी हम खाना वगैरह पका रहे हैं, गोश्त हम पका रहे हैं। तो ये चेक करें, अभी हमने हांडी रखी हुई है, माशाल्लाह से ये चीज़ें मिक्स हो रही हैं। तो अभी थोड़ी देर तक तकरीबन ये बड़ा है ना भेड़े वाला गोश्त है, तो इसे थोड़ा टाइम लगता है। तो इतने तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।